सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक वी आर फाइन. सो बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम सब्जेक्टिव एग्जाम कैसा होगा. जो जिन्होंने बच्चों ने मेवात कैडर में अप्लाई किया है, क्या वो हरियाणा में भी दोनों एग्जाम यानी कि दे पाएंगे? जिन बच्चों ने दोनों में अप्लाई किया है, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव का पेपर पैटर्न क्या होगा, ये सारे के सारे डाउट आपके HPSC ने क्लियर कर दिए हैं. तो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है वही आपके साथ शेयर की जा रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें 18 आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 15 करने होंगे. जैसा कि क्लियर कर ही दिया गया है कि 15 क्वेश्चन आपको करने ज़रूरी हैं, 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा. और जो भी पेपर पैटर्न होगा, मतलब जिस तरह से आपको आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम देते हो, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम आपका देना होगा. और उसके साथ साथ जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन है, 9 और 10 दो ही डेट मेंशन की गई हैं. तो अभी तक ये डाउट क्लियर नहीं हो पाया है कि दोनों जगह अलग अलग डेट को एग्ज़ाम लिया जाएगा या सेम डेट को ही एग्ज़ाम लिया जाएगा. लेकिन जहाँ तक लग रहा है, सेम डेट को ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिससे कि बच्चे एक ही जगह एग्ज़ाम दे पाएंगे. उसके बाद कंपटीशन कितना है, तो देखो 683 मेवात की पोस्ट थी, जिसके लिए 14,000 समथिंग बच्चों ने अप्लाई किया है. और 3800 कुछ हमारी जो पोस्ट थी उनके लिए 15,000 से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है. तो कंपटीशन बहुत है, लेकिन वही है, हमें उस कंपटीशन को ब्रेक करते हुए अपनी जो तैयारी है वो जम के करनी है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के भी साथ साथ में करनी है. सब्जेक्टिव एग्ज़ाम का क्लियर हो चुका है, तो अपनी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी आप साथ साथ करते रहिएगा. और अगर आप PGT कॉमर्स के कैंडिडेट्स हो, तो कॉमर्स के लिए हमारे ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि PGT कॉमर्स की काफ़ी अच्छे से हम तैयारी करवा रहे हैं. और बस यही, जो भी आई थिंक जो भी आपके डाउट थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे. सो अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में अगर पूछ रहे हैं कि किस सब्जेक्ट्स में कितने कैंडिडेट्स ने भी अप्लाई किया है, तो ये अभी तक जो है क्लियर नहीं हो पाया है. अभी तक ये सब बातें उसमें मेंशन नहीं की गई हैं कि किस सब्जेक्ट्स के लिए कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, और ये ना ही कहीं से इंफॉर्मेशन मिल पा रही है. तो जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना न भूलें. थैंक यू सो मच.